राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। अब टीवी सीरियल की दुनिया में रोजाना नए नए सीरियल आते रहते हैं, लेकिन कुछ ही सीरियल लंबे समय तक टिक पाते हैं, जबकि कुछ सीरियल कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं। लेकिन दर्शकों के फेवरेट सीरियल अनुपमा में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। माया चंद्रमुखी बन गई है और अनुज को देव बाबू बनकर रोकने की कोशिश कर रही है, वो भी अपने आंसू दिखाकर। अब वही ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं बेचारी रूही के मन पर अभिमन्यु की वजह से बुरा प्रभाव पड़ा है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में अब काकू सई के ससुराल जाकर नया हंगामा करने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में तो देवदास की तरह चंद्रमुखी और देव बाबू का सीन चल रहा है, जिसमें चंद्रमुखी बन गई है माया और अनुज बने हैं देव बाबू। अरे क्या 5-5 किलो के आंसू बहाकर माया अनुज को रोकने की कोशिश करती है। कहती है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अनुज भी माया के प्यार को लात मारकर आगे निकल जाता है। वहीं पाखी के साथ भी बहुत बुरा हुआ, बेचारी अनुपमा की मदद करने के लिए गई थी, लेकिन वनराज बा और अधिक तो उसी पर चढ़ गए। होता ये है कि बा समर और डिम्पी की शादी को लेकर परेशान है। वो डिम्पी और समर को सुनाती है कि शादी कैसे होगी, अनुपमा ने तो अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और शादी में 100 तरह के खर्चे होते हैं, अब कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात, कन्यादान जोड़े में होता है, अनुज तो अनुपमा के सामने आने से भी डर रहा है। लेकिन समर मामले को संभालते हुए कहता है कि हम तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन बा कहती है कि कागज पर लिख देने से रिश्ते नहीं बनते, अब साथ फेरे और वचन भी जरूरी होते हैं। उधर अनुज का घर तोड़ने के बाद अब बरखा अपने सगे भाई को भी डसने के लिए तैयार है। वो अधिक से कहती है कि पाखी को तो तुम्हारी चिंता ही नहीं है, वो भी अपनी माँ की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने मायके वालों के लिए ही मरती है। अंकुश तो कहता है कि कम से कम अपने भाई का घर तो छोड़ दो, लेकिन बरखा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिसके बाद पाखी शाह परिवार पहुंचती है, जहां पहले से ही वनराज और बा भड़के बैठे हैं। वो तो पाक से सवाल करते हैं कि दोनों का मिलाप करा के आ गई, लेकिन पाखी कहती है कि मैं जिंदगी भर उस दुख को लेकर नहीं जी सकती, इसलिए मैं वहां पर गई थी। अब दोनों के अलग होने का कारण भी तो हम ही सब लोग हैं। तभी वहाँ अधिक भी पहुँच जाता है और पाखी से बदसलूकी करता है। वो कहता है कि बिना बताए आखिर गए क्यों। पाखी भी जवाब दे देती है कि बता कर जाती तो तुम और तुम्हारी बहन कौन सा जाने देती। मतलब अधिक को भी सिर्फ और सिर्फ अनुज की संपत्ति दिख रही है, वो भी अपनी बहन के कहे पर चल रहा है। फिर शुरू होता है चंद्रमुखी और देव का ड्रामा। होता ये है कि अनुज खुशी से अनुपमा के पास जाने के लिए तैयार होता है, पैकिंग भी करता है। तभी माया आकर अनुज को नहीं जाने के लिए कहती है। माया कहती है कि अनुज मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, मुझे लगा कि किस्मत हम दोनों को दोबारा एक साथ मिलाने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन अनुज कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ आया हूँ और प्यार तो मैं सिर्फ अनुपमा से करता हूँ। मतलब माया के अरमानों पर अनुज ने बिल्कुल पानी फेर दिया। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं रूही को एहसास हो रहा है कि उसके पॉपी अब उससे दूर जा रहे हैं और उसने अपने मन के डर को सबके सामने जाहिर भी कर दिया है। वो तो गुस्से में अभीर को धक्का तक दे देती है। अब बच्ची है और बच्ची अपने प्यार को बढ़ते नहीं देख सकती। होता ये है कि अभीर को अभिमन्यु की टीम में शामिल किया जाता है। अब रूही नहीं चाहती कि उसके पॉपी किसी और के साथ गेम खेले, वो गुस्सा तो करती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। जिसके बाद अभीर अभिमन्यु मिलकर पेड़ लगाते हैं और अभीर कहता है कि पेड़ लगाना अच्छा होता है और ये बात मुझे मेरी मम्मी ने समझाई है। अब दोनों मिलकर आम का पेड़ लगाते हैं। आरोही अभीर और अभिमन्यु को साथ में देखती है और सोचती है कि अभीर से अभिमन्यु अभीर की इतनी चिंता करता है, लेकिन जब सबको सच पता चल जाएगा तो क्या ही करेगा, वो तो रूही को देखेगा तक नहीं। तभी रूही और अभीर दोनों को चोट लग जाती है, लेकिन अभिमन्यु रूही को छोड़कर अभीर पर ध्यान देता है और आरोही पर चिल्लाता है कि अभीर पेशेंट है और उसका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब रूही को बुरा लगता है कि उसके पॉपी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अक्षरा भी ये सब नोटिस कर रही होती है। उधर बिरला हाउस में शेफाली तलाक की बात करती है तो महिमा भड़क जाती है, जबकि महिमा शेफाली को सपोर्ट करती है। अब महिमा कहती है कि मंजरी तुम समझाने की बजाय घर को तोड़ने का काम कर रही हो। उधर कैंप में अभीर जीत जाता है और रूही का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। वो अभीर को धक्का तक दे देती है और अभिमन्यु से कहती है कि वो सिर्फ मेरी जगह है। वही कुंडली भाग्य में राजवीर को भनक लग गई है कि पलकी के साथ जो कुछ हुआ है उसमें शौर्य का हाथ है।
होता ये है कि करण अवार्ड फंक्शन में मीडिया के सामने शौर्य के नाम की म्यूजिक कंपनी खोलने का ऐलान करता है। अब ये सुनकर निधि और करण दोनों ही खुश हो जाते हैं। निधि शौर्य को गले लगाती है क्योंकि दोनों की खुशी का ही ठिकाना नहीं है, जबकि मीडिया माँ बेटे की जोड़ी का बेहद खुशी वाला पल कैमरे में कैद कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ केतन पालकी और राजवीर के बीच में कुछ कुछ होने का शक करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो ऐसा ना सोचे क्योंकि पलकी जैसी लड़कियाँ आज के ज़माने में ढूंढने से नहीं मिलती। तो वहीं दूसरी तरफ राजवीर पलकी को शौर्य के अवार्ड फंक्शन में लेकर जाता है, जहाँ पर वो करण से टकरा जाता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी के सवालों से सही परेशान हो चुकी है और उसे नई नई कहानी सुनाने लगती है। तो पत्रलेखा अब घर से गायब हो गई है क्योंकि वो तो घर छोड़कर चली गई है। आज के एपिसोड में होता ये है कि सही सभी को बताती है कि हम प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर सत्या के घर पर उनके साथ रहने वाले हैं। पहले तो सभी सवाल करती है तो सही उसे गेम बता के छोड़ देती है। अब सत्या भी सभी का स्वागत घर में अच्छे से करता है। तो वहीं दूसरी तरफ पत्रलेखा घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन विराट को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अब अश्विनी भी विराट को समझाती है कि सही ने शादी कर ली है तो तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, लेकिन विराट कहता है कि सही तो मेरे लिए कब की मर चुकी है, मैं तो उसका श्राद्ध तक करवा चुका हूँ। इसके बाद काकू हंगामा कर देती है कि सभी को अपने साथ सही कैसे ले गई। वो पूरे मोर्चे के साथ सही के ससुराल पहुँच जाती है और जमकर तमाशा करती है। लेकिन शो में महाट्विस्ट ये आएगा कि भवानी और अम्बा का आमने सामने होने वाला है। अब पता चलेगा कि सत्या और विराट तो सौतेले भाई बहन हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।